तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका NXT टेकओवर 31 के रिव्यू में। और ओ माय गॉड क्या शो आज हमें देखने को मिला भाई। मतलब आज तो मैच मैं गलत क्या बोलूं, मतलब शो का बेस्ट मैच चुनना भी इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। कौन सा बेस्ट मैच था आप लोगों के लिए भाई मुझे बताओ, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा मैंने देखा है कि भाई सारे ही मैचेस इतने अच्छे हैं कि शो मुझे लग रहा है मैं फिर से जाके एक बार देख लूं। इतने ज्यादा अच्छे मैचेस थे, मतलब कमाल कर दिया। 2 घंटे के अंदर 5 मैचेस हमें देखने को मिले और इतना कमाल का ये शो था। साथ साथ सरप्राइज एलिमेंट्स भी थे, शॉकिंग एलिमेंट्स भी थे। प्रेडिक्शंस बहुत लोगों की यहाँ पे गलत हुई होंगी जिन्होंने बनाई थी वीडियो। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि गाइज ये पेपर व्यू डेफिनेटली बहुत सारे पेपर व्यू से बेटर था जो इस साल हमें देखने को मिले। मतलब कमाल कर दिया आज NXT ने, बेसिकली मैं इतना कहना चाहता हूँ। आप लोग अपना ओपिनियन डेफिनेटली मुझे बताएं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैच नंबर 1 से, जो कि था फॉर द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप और ये था डेमियन प्रीस्ट अगेंस्ट जॉनी गार्गानो। अब स्टोरी लाइन यहाँ पे बेसिकली इतनी सी थी कि जॉनी गार्गानो और कैंडिस लेरे अगर दोनों आज टाइटल्स जीत जाते हैं तो पावर कपल बन जाएंगे NXT में सबसे पहले, जो कि ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी हैं और दोनों के पास एक ही साथ एक ही समय पे गोल्ड भी होगा। तो ऐसा चीज जो है हमें देखने को मिलने वाली थी। और गार्गानो गाइस यहां पे क्या ही रेसलिंग कर रहे थे, मतलब डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। मजा आ गया इन दोनों को देख के। मतलब बैक एंड फोर्थ मैच जाया जा रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि जॉनी गार्गानो जीत सकते हैं, कभी ऐसा लग रहा है डेमियन प्रीस्ट जीत सकते हैं। इन्होंने अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स के रेसलमेनिया 25 मैच वाली डाइव भी करी थी यहां पे, जिस तरीके से डेमियन प्रीस्ट आते हैं टॉप रोप से ऊपर डाइव करते हैं और गार्गानो साइड से हट जाते हैं और कैमरामैन सिक्योरिटी गार्ड के अंदर डेमियन प्रीस्ट टकरा जाते हैं। एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ दैट। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन सारी डिस्ट्रैक्शंस का फायदा उठा के गार्गानो लो ब्लो लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर और जाते हैं रिंग के अंदर, पिन करते हैं, लेकिन तब भी डेमियन प्रीस्ट जो है वो किक आउट कर देते हैं। ये इनसेन मोमेंट्स थी। और उसके बाद फाइनली जो मैच की एंडिंग में हमें देखने को मिला कि डेमियन प्रीस्ट मिडल रोप से अपना फिनिशर लगाते हैं जिसका नाम है रेकनिंग और वो यहां पे हरा देते हैं जॉनी गार्गानो को। तो काफी शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद गार्गानो या कैंडिस लेरे में से कोई एक तो पक्का इस टाइटल जीतेगा, दोनों नहीं जीते। मतलब क्या ही हो गया आज शो के अंदर। और गाइज मुझे लगता है कि क्योंकि ड्राफ्ट आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि जॉनी गार्गानो मेन रोस्टर पे आ रहे हो और शायद इसी वजह से जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं अगले मैच में बढ़ने से पहले, वो ये है गाइज कि WWE ने परफॉर्मेंस सेंटर का नाम चेंज कर दिया है और अब उसका नाम हो चुका है कैपिटल रेसलिंग सेंटर। और आप सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या रीजन है, 2-3 इसके पीछे रीजन है। पहली बात तो फुल सेल यूनिवर्सिटी से आज का NXT का शो नहीं हुआ था, अब सारी आगे की जो टेपिंग्स हैं वो WWE ने NXT की मूव कर दी है परफॉर्मेंस सेंटर में। और इसका रीजन ये है क्योंकि ऑब्वियसली स्मैकडाउन रॉ एमवे सेंटर से हो रही है तो परफॉर्मेंस सेंटर खाली पड़ा है, वो फैसिलिटीज WWE NXT के लिए यूज कर सकती है। और आज के शो में हमें NXT में भी वर्चुअल फैंस देखने को मिले थे, जो कि काफी अच्छी बात थी। और ऊपर से इसका नाम इसलिए चेंज करा गया है क्योंकि एक ट्रिब्यूट है कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन को, जो कि विंस मिकमैन के ग्रैंड फादर जेस मिकमैन ने फाउंड करी थी और उसके बाद उनके फादर विंसेंट जे मिकमैन ने चलाई थी। तो ये ट्रिब्यूट दिया गया परफॉर्मेंस सेंटर को और उनके नाम पे जो है वो फैसिलिटी रखी गई और कैपिटल रेसलिंग सेंटर अब परफॉर्मेंस सेंटर का नया नाम हो गया है। काफी अच्छी ये चीज मुझे लगी और काफी बढ़िया आज जो पूरी लुक थी, फीलिंग थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि परफॉर्मेंस सेंटर में शो हो रहा है। मतलब काफी ज्यादा अच्छी चीजें यहाँ पे इन्होंने करी। अगला मैच जो हमें देखने को मिला वो था कुशीडा अगेंस्ट वेलवेटीन ड्रीम और भाई साहब मजा आ गया एक बार फिर से। इन दोनों रेसलर्स का मुझे लग रहा था एक अच्छा मैच होगा, लेकिन ऐसा भी मैंने नहीं सोचा था कि भाई 20 मिनट तक क्या ही कमाल का मैच दे सकते हैं। तो वेलवेटीन ड्रीम अपनी एंट्री करते हैं और जैसे ही वो अपनी एंट्री कर रहे होते हैं कुशीडा आके उन पे अटैक कर देते हैं और बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करते हैं, मतलब गुस्से में लग रहे थे कुशीडा। तो रेफरी फाइनली रिंग में आता है, मैच शुरू होता है और उसके बाद क्या मैजिकल मैच हमें देखने को मिला। मतलब यहाँ पे हाई फ्लाइंग भी था, हार्ड हिटिंग भी था, सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन जो मेन फोकस था इस मैच का वो था टेक्निकल। और मैं कहना चाहूंगा टेक्निकली दिस मैच वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और कुशीडा यहाँ पे वेलवेटीन ड्रीम की आर्म को टारगेट कर रहे थे और उसी के ऊपर वो फिनिशर लगाने की कोशिश कर रहे थे, सबमिशंस लगाने की कोशिश कर रहे थे। और पूरे मैच की स्टोरी यही थी कि कुशीडा को आज सबमिशन से मैच जीतना है और यहाँ पे वेलवेटीन ड्रीम भी कुछ इसी तरीके की करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने सारे पॉसिबल मूव्स लगा दिए कुशीडा के ऊपर, लेकिन एट द एंड कुशीडा टेक्निकली द बेस्ट रेसलर प्रूव हुए क्योंकि उन्होंने टैप आउट करा दिया यहाँ पे वेलवेटीन ड्रीम को। तो ओवरऑल एक
फैंटास्टिक मैच था मैं कहना चाहूंगा, और कुशीडा जीत गए, यही मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज था यहाँ पे, क्योंकि वेलवेट इन ड्रीम काफी बड़े स्टार हैं, इससे पहले वो मैच हारे थे फिन बैलर के अगेंस्ट एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए। तो देखते हैं क्या होगा वेलवेट इन ड्रीम के साथ, लेकिन कुशीडा मैच के बाद भी अटैक करते रहते हैं वेलवेट इन ड्रीम के ऊपर, जो कि क्लियर इंडिकेशन देता है कि शायद अब वो एक हील बनने वाले हैं, तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन दिस मैच वॉज ऑल्सो अमेजिंग। इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिला वो था गाइज मेरे हिसाब से मैच ऑफ द नाइट, एनएक्सटी क्रूजरवेट चैंपियनशिप सैंटोस एस्कोबार द चैंपियन अगेंस्ट आइज़ेया स्वर्व स्कॉट। मतलब होली शिट पूरे समय मेरे से निकल रहा था, और यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि भाई एक सेकंड के लिए मैच रुका नहीं, मतलब हाई पेस्ड हाई फ्लाइंग और ऊपर से हार्ड हिटिंग, सारे एलिमेंट्स जो एक रेसलिंग मैच में हमको देखने को मिलने चाहिए वो इस मैच के अंदर थे, और इसकी वजह से मैं इसको मैच ऑफ द नाइट दूंगा। बाकी सारे मैच इतने कमाल के थे, जैसा कि मैंने कहा वीडियो के शुरू में, मैच ऑफ द नाइट चुनना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टुडे, और वो चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ये मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे गाइस हमें देखने को मिलता है कि लेगार्डो डेल फैंटास्मा भी आती है बाहर, लेकिन वो नहीं मदद कर पाते यहाँ पे जीतने में। उसके बाद फैंटम ड्राइवर अपना फिनिशर लगाते हैं सैंटोस एस्कोबार, उसमें भी आइज़ेया स्वर्व स्कॉट कर देते हैं किकआउट। स्वर्व स्कॉट ने तो क्या ही क्या फिनिशर अपने लगाने की कोशिश करी, और सब पे किकआउट करे जा रहे थे सैंटोस एस्कोबार, एंड एट द एंड उन्होंने कमाल का कोई मूव करा, काइंड ऑफ एक फ्लिप सुप्लेक्स थी इनटू हिज नी, और यहाँ पे जो है वो उन्होंने हरा दिया आइज़ेया स्वर्व स्कॉट को। तो टाइटल चेंज एक बार फिर से नहीं देखने को मिला, लेकिन डेफिनेटली अ क्लासिक मैच जो आपकी आज हमने विटनेस करा, और भाई क्या ही बोल, मतलब फिर से वही वाली बात है कि वर्ड्स की जो आज कमी पड़ रही है एनएक्सटी टेकओवर के लिए, ये शो इतना ज़्यादा अच्छा था, और एक्सपेक्ट किसी ने करा नहीं था कि ये शो इतना अच्छा होगा, इस वजह से लोग और भी ज़्यादा सरप्राइज हुए। एंड आई रियली हैव टू अप्रिशिएट कि जो भी ट्रिपल एच ने करा यहाँ पे, शॉन माइकल्स ने करा, एनएक्सटी की पूरी मैनेजमेंट और सुपरस्टार्स ने आज मिलकर ये जो शो हमें दिया है, ओवरऑल ये फैंटास्टिक शो था। अगला मैच हमें देखने को मिलता है एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, इयो शिराय द चैंपियन अगेंस्ट कैंडिस लेरे। फिर से सेम स्टोरी कि इनको यहाँ पे चैंपियन बनना है, अगर गार्गानोस में से कोई एक तो जीते, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं हुआ। कमाल का बैक एंड फोर्थ मैच, हर मैच में मुझे सेम वर्ड्स रिपीट करने पड़ रहे हैं, लेकिन गाइस ये सच में ऐसा था, और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि भाई ऐसा भी क्या कर दिया, तो आपको जाके खुद ही देखना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये मैच में भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही थी गाइस, क्योंकि रेफरी नीचे गिर चुका था, और जॉनी गार्गानो आ जाते हैं बाहर रेफरी के कपड़े पहन के। आई डोंट नो कि मैं सोच रहा हूं इसमें क्या लॉजिक कि गार्गानो आके पिन काउंट कर रहे हैं, और उन्होंने जबकि बहुत तेज पिन काउंट करा तब भी इयो शिराय ने किक आउट कर दिया, और गार्गानो की शक्ल देखने वाली थी। और उसके बाद रेफरी अंदर आता है और वो बहस करता है जॉनी गार्गानो से कि तुम बाहर निकलो यहां से, और उसके बाद पीछे से टाइटल लेके आती है कैंडिस लेरे और इयो शिराय पे अटैक करती है, लेकिन तब भी इयो शिराय ने किक आउट कर दिया। तो ये एक कमाल की मोमेंट थी। और उसके बाद गाइस फाइनली हमें देखने को मिलता है कि इयो अपनी मून सॉल्ट लगाती हैं, और यहाँ पे वो इस मैच को जीत चुके हैं। तो गार्गानोस के लिए तो भाई बहुत ही बेकार रहा है टेक ओवर, इतने समय से ऐसा पुश करा जा रहा था कि ये दोनों टाइटल जीत सकते हैं, और दोनों में से कोई एक भी टाइटल नहीं जीता। और मैच के बाद भी दो बड़ी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। पहले तो टोनी स्टॉर्म आ जाती है टाइटन पे, और वो यहाँ पे बताती हैं इयो शिराय को कि अब वो रेडी है एक अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड इट इज टोनी टाइम। और उसके बाद गाइस अगर आप एनएक्सटी देख रहे हैं तो बहुत हफ्तों से कुछ हमें टीजर देखने को मिल रहा है, ग्रीन से कलर का प्रोमो देखने को मिलता है कि कोई बाइक पे आ रहा है, और वो फाइनली आज हमें पता लग गया मिस्ट्री इंसान कौन है, शी इज एम्बर मून। और एम्बर मून इतनी लंबी इंजरी के बाद वापस आ चुके हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि वो मेन रोस्टर पे नहीं बल्कि एनएक्सटी पे आ रही है, और वो यहाँ पे आके बेसिकली बस देखती है इयो शिराय को, और फिर हम जो है फेड आउट कर देते हैं सीन से। कोई इनके बीच में कोई प्रोमो या फिर फिजिकल नहीं हुआ आज, लेकिन काफी बड़ा शॉकिंग सरप्राइज था कि एम्बर मून आने वाली है, और शायद मैंने तो पहले कभी सुना नहीं था किसी भी डर्ट शीट पे कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो एक कमाल का मैच था, और साथ के साथ एंडिंग में हमें सरप्राइजेस भी देखने को मिल गए। और फाइनली इसके बाद हमारा मेन इवेंट आता है गाइस, फिन बैलर अगेंस्ट काइल ओराइली फॉर द एनएक्सटी चैंपियनशिप। और यहां पे मोस्टली लोग जानते थे कि फिन बैलर अपना टाइटल रिटेन करने वाले हैं, लेकिन काइल ओराइली ने आज दिखा दिया कि भाई मैं पिछले 2-3 सालों से एनएक्सटी के अंदर टैग टीम में अड़ा हुआ हूं, और तुमने देखा है कि हम टैग टीम की फॉर्म में भी बहुत अच्छे अच्छे मैचेस दे सकते हैं, लेकिन सिंगल्स में भी आज मैं तुम्हें दिखाने आया हूं कि भाई मुझसे ऊपर शायद कोई हो नहीं सकता। क्योंकि क्या ही कमाल मैच दिया, मतलब फिन बैलर और इनकी केमिस्ट्री आपस में इतनी ज्यादा अच्छी थी आज पूरे मैच के अंदर कि जो ये करना चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही ये कर पा रहे थे, और इस वजह से मैच इतना अच्छा हुआ। और एट द एंड ऑब्वियसली फिन बैलर को जीतना था, वो कूप डे ग्रास लगा के इस मैच को जीत गए। और मैं सोच रहा था कि अनडिस्प्यूटेड एरा आखिर क्यों नहीं आ रही यहां पर मदद करने के लिए काइल ओराइली की,
और इसका जवाब हमें मैच के बाद मिल गया था गाइस, क्योंकि रिज हॉलैंड जो है वो एडम कोल को अपने कंधे पे लेके आते हैं, तो काइंड ऑफ हमें सोच सकते हैं कि बैक स्टेज उन्होंने एडम कोल को अटैक कर दिया होगा और उनको रिंग साइड फेंक के चले जाते हैं, और फिर बैक स्टेज आते हैं यहाँ पे बॉबी फिश और रॉडरिक स्ट्रॉन्ग भागते हुए, और ये शो इस तरीके से खत्म होता है। और ऊपर से हमें फिन बैलर और काइल ओ'रायली के बीच में स्पोर्ट्समैनशिप भी देखने को मिली, दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जिसका मतलब यही हो सकता है कि इनकी राइवलरी यहाँ पे खत्म हो गई है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, एनएक्सटी ने आज सारे चेक बॉक्सेस के आगे जो है वो टिक लगा दिया, क्योंकि जितनी चीजें इसके इस पेपर व्यू में जरूरी थी उन्होंने वो करी, और ये एक फिर से मैं कहूंगा ऐसा शो था जिससे एक्सपेक्टेशन लोगों की कम थी, लेकिन उससे बढ़कर इसने बहुत ही ज्यादा बढ़कर डिलीवर करा। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं, कोई टाइटल चेंज नहीं हुआ जिससे मैं बहुत सरप्राइज हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल इस शो को मुझे रेट करना हो, मैंने क्लैश ऑफ चैंपियंस को 7.5 आउट ऑफ 10 दिए थे, इसको मैं देना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मतलब कमाल का ये शो था और मजा आ गया इसको देख के गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।